हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। ग्रूम 2.0 बेसिक टू एडवांस जो सीरीज शुरू की, आज उसमें टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड। कल फर्स्ट पार्ट में कुछ टाइप्स आपने डिस्कस की और उन्हीं की थोड़ा सा जो टफ लेवल है वो आज डिस्कस करेंगे। एंड देन कल करेंगे अपने जो वर्क एंड वेजेज प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो, एंड देन एक सेशन बचेगा आपका पाइप एंड सिस्टम। तो आज कल परसों तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इस पर डीआई भी आ जाती है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर पाइप एंड सिस्टम से भी आ जाता है, जो इसी का पार्ट एंड पार्सल। चलिए, प्रधान जी, अंजू सिन्हा जी, शुभांगिनी गुप्ता जी, अंशु सिंह जी, सभी का सेशन में स्वागत है। सभी का सेशन में स्वागत है। चलिए सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी चर्चा कर लें। आप में जिस भी किसी पर्टिकुलर एग्जाम को या नंबर ऑफ एग्जाम्स को फोकस करके स्टडी कर रहे हैं, तो कभी भी फेजेज में स्टडी मत कीजिए कि मैं इस साल प्री निकालूंगा या अभी मैं पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्री पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा देन मेंस। नहीं, टारगेट मेंस का रखिए। तो उसी के लिए ये बेसिक टू एडवांस है, ये भी उसी के लिए है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्री आपकी क्रैक हो भी गई तो मेंस नहीं होगी। सेकेंड, एक बड़ा जो रहता है इसमें गैप, वो रहता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स भी आप पे साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, और इसके लिए जैसे आपने न्यूज़पेपर से या कहीं से भी आपने कलेक्ट की, उनको जो भी कुछ अच्छा लगा वो अलग से उसमें से एक्सट्रैक्ट किया, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है और टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी एक करंट अफेयर्स का पीडीएफ परचेज करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अफेयर क्लाउड का भी अच्छा कंटेंट है आपको वो दोनों लैंग्वेज में, देन डेली भी, वीकली भी, मंथली भी, देन जो भी एग्जाम्स आएंगे उनके बिफोर भी आपको एक पूरा एक्सट्रैक्ट देगा, तो उसे अपना टाइम सेव हो जाएगा, राइट। वो सस्ता है, 2019 का सिर्फ 150 में है, 2020 का 300 में है, और अपना कोड वर्चुअस यूज करें तो इसमें 10% की रिबेट। एक आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अपने जो सेशन पे दूसरे सेशंस जो चल रहे हैं क्वांट एंड रीजनिंग की, वो भी प्लीज नोट कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल अपना इसी वर्चुअस नाम से ही है, उसको भी नोट कर लीजिए। एक स्टडी ग्रुप है, इसके नंबर भी नोट कर लीजिए। प्रणीत जी, आपका सेशन में स्वागत है। तो इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए और दूसरे जो सेशंस है उनको भी प्लीज फॉलो कीजिए, राइट। ध्रुव सर के जो रीजनिंग के कुछ सेशंस अनअकैडमी पे है, तो प्लस तो आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन, लेकिन कुछ क्लासेज स्पेशल क्लासेज भी होती हैं जिनमें सब्सक्रिप्शन की नीड नहीं होती, वो आप फॉलो कर पाएंगे। जो यूट्यूब पे ऑब्वियस है वो तो कर ही पा रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। शुभम जैन साहब, आपका सेशन में स्वागत है। आज के जो क्वेश्चंस, कुछ वेरिएबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कल आपने देखा जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको एक दे रखा भी पर्टिकुलर कितने पर्सन या कोई ए या बी या राम एंड मोहन कितने दिन में काम करते हैं, दूसरे कितने में करते हैं, और फिर आज कुछ की वैल्यूज आपको नहीं दी होंगी, वेरिएबल की फॉर्म में दी होंगी, तो ये एक तरह से उसका एडवांस फॉर्म आ गया है। वही, कुछ भी चेंज नहीं है, बट ये उनकी एडवांस फॉर्म। अजीत कुमार जी, रिजल्ट के अभी जो फीडबैक मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट आपका जल्दी आएगा। रिजल्ट आपका ये जो कमिंग वीक है इसमें आने की पूरी पॉसिबिलिटी। शुभ जी, आपका सेशन में स्वागत है। निकेश जी, आपका भी।
आदित्य जी आपका भी। जयपाल जी बिल्कुल, आपकी जो प्रॉब्लम है हिंदी के क्वेश्चंस की, वो दूसरे बच्चों की भी है। अभी देखिए, उम्मीद कीजिए कि 1 जून से लॉकडाउन अपलिफ्ट हो जाए, मोर और लेस सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में ही रहे, तो जो हिंदी के टाइप करने वाला मेरा बंदा है वो आ जाए, फिर मैं आपको दिया करूँगा। चलिए देखिए, रिप्लाईज आ चुके हैं। ओके ओके, क्या दिया हुआ है? राजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर घर पे करते हैं? राजेश जी, इसमें आप घर पे करते हो क्वेश्चन हो जाता है और एग्जाम में नहीं होता, इसका मतलब एग्जाम का लोड आप ज्यादा ले रहे हो। हाँ, जो एक एग्जाम का प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और वो रिलीज होगा प्रैक्टिस से। जब आपके फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा कि हाँ मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, फिर वो प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा बहुत सभी के साथ होता है, बट बिगनिंग में थोड़ा ज्यादा होता है। चलिए भागवत जी भी आ गए भाई। सिर्फ प्रनीत जी ने आंसर किया, बाकी के लोग बाग क्यों नहीं आंसर कर पा रहे? क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा? देखिए, अभी सभी लोग प्लीज सेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। अपने जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा, मैं 5 मिनट के लिए आपसे इंटरेक्ट कर लूंगा, जिस किसी की भी जो भी क्वारी है प्लीज उस वक्त। चलिए, अब आंसर काफी आ चुके हैं। देखिए क्या दिया है, 15 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज। 15 वुमेन कितने दिन में? 4 दिन में। तो काम हो गया एक तरह से 15 × 4, 60 वुमेन डेज का वर्क हो। और साथ ही है क्या कि 32 चिल्ड्रन कितने दिन में काम कर सकते? 32 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट इट इन एक्स डेज। एक्स चिल्ड्रन डे हो गए, राइट? वर्क 3 डेज। अब यहां से अगर मैं वुमेन और चिल्ड्रन का इफिशियंसी का रेशियो निकालूं, तो कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? यहां से ये हो गया, वुमेन और चिल्ड्रन का जो रेशियो है इफिशियंसी का, वो क्या निकल के आया? 8x/15, राइट? तो वुमेन 8x यूनिट पर डे वर्क कर रहा है और चिल्ड्रन 15 यूनिट पर डे वर्क कर रहा है, राइट? ये निकल गया पहला काम, बड़ा काम हो गया इफिशियंसी का। दो ही काम होते हैं बड़े, टोटल वर्क और इफिशियंसी। अब आप इसमें टोटल वर्क, अगर ये तो आपकी इफिशियंसी आ गई पर डे की, अब अगर आप टोटल वर्क देखेंगे तो टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क 15 वुमेन कैन कंप्लीट 4 डेज। तो 15 वुमेन या आप चिल्ड्रन का निकाल लो, एक्स दोनों में रहेगा, एक्स एलिमिनेट नहीं होगा आपका भी। तो 15 वुमेन × 4, 60 वुमेन डेज, 1 वुमेन डेज है 8x का, तो ये आपका × 8x। आई थिंक ये आ गए भाई। 15 वुमेन है, वो 40 कहां से आ गए? मैं 15 वुमेन × 4, एक सेकेंड, इसको
15 और 4 60 वुमेन डेज है, तो 60 इंटू एक मैन डेज का वर्क है 8 है, तो ये टोटल वर्क आपका। अब आगे उन्होंने क्या दिया है कि 10 वुमेन प्लस 20 चिल्ड्रन वर्क फॉर 3 डेज, 3 दिन इन्होंने काम किया राइट एंड देन लीव और फिर छोड़ दिया। इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई, और जो रिमेनिंग वर्क किसने कंप्लीट किया, 3 वुमेन इन 7 हाफ डेज, तो 3 वुमेन ने किया तो 3 वुमेन का 7.5 दिन का काम कितना हो जाएगा, मतलब 3 × 7 × 14 = 15/2 इंटू एक दिन में एक औरत कितना काम कर रही है, एक कर रही है 8, यही हुआ ना टोटल वर्क। अगर मैं देखूं तो 10 वुमेन प्लस 20 चिल्ड्रन इंटू 3 + 3 इंटू, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 60 × 8x। अब आप 10 वुमेन और 20 चिल्ड्रन की यहाँ वैल्यू रख दीजिए पर डे वर्क, और उससे पहले अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कर लीजिए, जैसे 3 मेरा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी हो गया, और मैं यहाँ से करूँ तो यहाँ 20 आ गया, यहाँ से और भी आप करना चाहें तो 5 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये 4 बचेगा, नहीं सॉरी ये 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 3 बचेगा, और ये 5 × 20, ये 4 बचेगा, और ये भी 2 और ये 4 हो जाएगा राइट। अब 2 वुमेन, 1 वुमेन 8x करती है, 2 करेंगी 16x, प्लस 4 चिल्ड्रन ये करेंगे 60 यूनिट वर्क, प्लस यहां मेरे पास क्या रह गया 12x इज इक्वल टू, यहां क्या रह गया 8 × 32x, अगर मेरे से कहीं गलती नहीं हुई है तो ये 16 और 12 28 में यहां से कर दूं तो यहां मेरे पास सिर्फ 4x बचा, और यहां बचा 60, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास यहां x की वैल्यू 50 निकल के आ गई, वही आपसे पूछी थी राइट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ आप पे सबसे पहले जो कुछ दिया है भी आपको टोटल वर्क एक तरह से क्या दे दिया कि 15 वुमेन कैन कंप्लीट इन 4 डेज, तो 15 वुमेन डेज को जितने भी चिल्ड्रन डेज में उनको इक्वेट करके वुमेन और चिल्ड्रन की इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, तो वो डायरेक्ट पर डे आप यूनिट वर्क मान लेंगे कि वुमेन पर डे वर्क है 8x यूनिट और चिल्ड्रन का पर डे यूनिट है 15। अब आप किसी से भी निकाल लो, 15 वुमेन तो 15 वुमेन 4 दिन तो 60 है, वुमेन डेज निकालोगे तो 60 × 8x आ गया, और चिल्ड्रन डे निकालोगे तो 32 चिल्ड्रन है एक्स दिन में, तो 32 × x × 15 तो 32 × 480x, ये भी 480x है, चिल्ड्रन से निकालोगे तो भी टोटल वर्क। अब आपके पास टोटल वर्क निकल गया, लेकिन अब एक्स नहीं होता तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता, लेकिन एक्स को कहीं से एलिमिनेट करना है, तो अब जो वर्क उन्होंने दिया है कि वो इतना काम करने के बाद इतना, तो वो एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए और उसको इक्वेट कर दीजिए टोटल वर्क, एक्स आपका एलिमिनेट। चलिए नेक्स्ट कीजिए, हाँ कोई बात नहीं जैन साहब, अगर आप ऑप्शन पुट करके भी निकाल सकते हैं तो आप उसको निकाल लीजिए। ये क्या शॉर्ट अप्रोचेज है, ये सेशन है बेसिक टू एडवांस का, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर करूँ। हाँ अगर ऑप्शन से कोई भी क्वेश्चन सोल्व होता है, मतलब आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि राइट टिक कैसे हो सकता है फास्ट, वही कर, अच्छी बात। हाँ बिल्कुल, ये क्लर्क मेंस लेवल के क्वेश्चंस। ये आफ्टर 6 डेज है, यहाँ गैप नहीं रहा, यहाँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये आफ्टर 6 डेज बी रिप्लेस, इनमें आफ्टर और 6 में गैप नहीं है,
बट ये 6 days है। वेरी गुड, ये भी आप लोगों ने निकाल लिया। ओके वेरी गुड, देखिए क्या दिया है, ए बी एंड सी कैन इंडिपेंडेंटली फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एक्स डेज एंड 27 डेज। अब इसको चाहे तो आप इफिशियंसी का मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इफिशियंसी, उससे डायरेक्ट आप इफिशियंसी निकाल लीजिए, या अपना जो एलसीएम मेथड है उससे निकाल लीजिए, उससे भी निकलना आपका वही चीज है, कोई फर्क नहीं आएगा। बी एक्स डेज में कर रहा है और सी कर रहा है 27। अगर मैं इसका एलसीएम मान लो 54x ले लेता हूं, राइट, तो क्या आ गया, 18 54, ये 3x यूनिट पर डे करेगा, ये करेगा 54 यूनिट पर डे, और ये करेगा आपका 2x यूनिट पर डे, राइट, ये मेरा पर डे वर्क आ गया। अब और टोटल वर्क भी ओबियस है, तो अगर पर डे वर्क ये है तो टोटल वर्क आपके पास कितना आया, टोटल वर्क आ गया भी जैसे ए है, टोटल वर्क आपका 54x, ये ही आपका टोटल वर्क होता है, राइट, पर डे फिशिंग। लेकिन अब इसमें क्या कि इस एक्स को एलिमिनेट करना है। अब चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 6 days बी रिप्लेस्ड बोथ ऑफ देम, शुरू में ए और सी ने किया, ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, 3x plus 2x पर डे वर्क इन्होंने इतना किया, और इन्होंने किया 6 दिन, तो इतना काम तो इन्होंने कर लिया। उसके बाद क्या हुआ है, बी रिप्लेस बोथ ऑफ देम, इन दोनों को हटा के बी आ गया, बी 54 यूनिट पर डे करता है, तो 54 डेज पर डे उसने काम किया, और उसने कितने दिन में काम कंप्लीट कर लिया, 16 दिन में, बी कुड फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। ये क्या हुआ, कुल मिला के ये पूरा टोटल वर्क हुआ, ये टोटल वर्क कितना था 54x, इसको इक्वेट कर लीजिए और x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ भी अगर कोई चीज आपके मैं कैंसिल आउट करूं तो 6 6 9 54 और 6 9 54, तो ये कितना आ गया आपका 3x plus 2x और प्लस 16 9 आई थिंक 144 हुआ क्या, इज इक्वल टू 9x, तो 3 और 2 5, ये बच गया आपका 4x, और ये बटा 4 करोगे तो बच गया 36, तो x इज इक्वल टू 36, यही आप लोगों का निकला है, राइट। तो ये क्या सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल ही होते हैं, बट इसमें क्या जैसे ही कोई वेरिएबल आपको नजर आता है, वैसे क्वेश्चन आपके नहीं किए हुए होते हैं, तो आपके होता है कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएं। लो जैसे आपने एलसीएम वगैरह निकाला, फिर आपके दिमाग में ये है कि अब इस क्वेश्चन को मैं आगे कैसे लेके जाऊं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, हाँ बिल्कुल चौधरी जी, बिल्कुल ऑप्शन से भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से भी ले सकते हैं, बट एक चीज मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बिगनर्स हैं, सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रिक्स पे मत जाइए, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट ट्रिक, जिस भी तरीके से आप टिक कर पाए वो फिर अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन मेंस में जब आता है वो कितना भी घूम सकता है, और फिर वहाँ एक प्रेशर भी अलग से होता है एग्जाम का, होशियारी कई बार काम वहाँ नहीं आती। चलिए रिप्लाईज आ गए आप लोगों के, क्या दिया हुआ है, सम वुमेन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर्स, मतलब आपको नंबर्स नहीं दिए, सम वुमेन्स दे दिए, ए मैन इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज ए वुमेन, और मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो दे दिया, 9 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन, ये भी दे दिया, हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट दे कुड फिनिश द सेम वर्क इन 10 आवर्स,
राइट। तो देखिए क्या दिया है, सम वुमेन कैन फिनिश, मान लो मैं एक्स मान लो इनको, कि भाई सम की जगह सम को मैं एक्स मान लेता हूं, कि एक्स वुमेन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर्स। तो एक्स इंटू 10 और इंटू वुमेन, ए मैन इज ट्वाइस ए, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। और क्या दे दिया, मैन और वुमेन का जो रेशियो आपको दिया है वो क्या दिया है, ए मैन इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज वुमेन। तो मैन, अगर वुमेन एक यूनिट काम करती है तो मैन दो यूनिट काम करेगा, ये आपका रेशियो आ गया। मतलब मैन दो यूनिट काम कर रहा है पर डे और वुमेन कर रही है एक। इफ 9 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 26 ही 2/3, हाउ मेनी शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट दे कुड फिनिश द सेम वर्क इन 10 वर्क। तो 9 वुमेन कितने दिन में कैन फिनिश द सेम वर्क इन, तो ये कितना हो गया, 26/3, 78 और 2/80/3, 9 वुमेन, और कितने दिन घंटे में कर रही है, 26/3, 78/2, 80/3, ये पर आवर है, सॉरी मैं डे बोल गया, 26/3, 80/3 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। और एक वुमेन का इफिशियंसी है एक यूनिट। तो आपका टोटल वर्क यहां से क्या निकल के आ गया, यहां से 3 को कैंसिल आउट कर लिया, 240 यूनिट आपका टोटल वर्क। राइट, अब आपसे पूछा क्या है, ये ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बन गया है। तो हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू दैट दे कुड फिनिश द सेम वर्क इन 10। मान लो मैन की इफिशियंसी क्या है, 2 है, तो कितने मैन रिक्वायर्ड है, मान लो एक्स मैन रिक्वायर्ड है, तो वो उसके लिए क्या करोगे, 240 यूनिट तो वर्क है, टोटल वर्क को किससे डिवाइड करोगे, उसकी इफिशियंसी 2 है, और कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, 1 घंटे की है तो, और वो 10 कर रहे हैं, 1 0 यहां से कट गई और 2 1 12, तो 12 डेज आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया, जो ऊपर जो पहली लाइन थी उसका कहीं कोई सिर्फ और सिर्फ इस लाइन का यहां तक कोई मीनिंग ही नहीं है, सिर्फ ये इफिशियंसी आ गया है, ये ही यूजफुल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अंशु सिंह जी, मेंस के मॉक में सारे मैथ समझ नहीं आता, तो प्रैक्टिस करो थोड़ी, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा ज्यादा इनपुट डालो, कुछ नहीं है, मैं आपके मैथ्स का कोई लेवल ही नहीं है भाई, मैथ से आप देखिए, जहाँ सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कोई अगर एग्जाम होगी वहाँ मैथ्स का लेवल होगा। आप यहाँ देखिए, आर्ट्स का बच्चा भी बैठ रहा है, कॉमर्स का भी बैठ रहा है, साइंस का भी बैठ रहा है, तो आप किसको टारगेट करके, किसको टारगेट करके पेपर बनाएंगे, जो लिस्ट है आर्ट्स वाले को करके बनाएंगे। तो यहाँ मुश्किल कुछ नहीं है, बस ठीक है आप लोगों ने कुछ टाइम से, जैसे ग्रेजुएशन जिससे भी आपने किया वो लंबे टाइम से मैथ छोड़ दिया, आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही, कुछ दिन पढ़ेंगे, महीने भर में आपको लगेगा यार ये तो मुझे सब कुछ आ रहा है, क्या है इसमें। आना तो आसान है काफी, इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाओ, इसलिए मिस्टेक रिड्यूस करो, नहीं आता है ये तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, ये आप कह सकते हैं कि टाइम लग रहा है या सिली मिस्टेक्स हो रही, जैसे चौधरी जी से हो रही। चलिए देखिए, चौधरी जी ने सबसे पहले रिप्लाई किया आपकी बात, वेरी गुड।
वेरी गुड, देख हाँ कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिव बन गई तो उसको सॉल्व कर लो ना, क्या हो गया क्वाड्रेटिव बन गई थी। और या जो क्वाड्रेटिक है उसी में आप ये वैल्यू ऑप्शन से पुट कर लो, कोई बात नहीं, उससे भी क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप क्वाड्रेटिक लेवल पे भी ऑप्शन से लेते हो और या क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्या दिया हुआ, एक्स माइनस टू मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। मतलब क्या है, x माइनस टू मैन डेज मैन है वो कितने दिन में कर रहे हैं, x डेज में कर रहे हैं, राइट, ये टोटल वर्क हो गया। और साथ ही दिया है कि x प्लस सेवन मैन, x प्लस सेवन मैन कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन x माइनस टेन। x माइनस टेन वर्क को कितने दिन में करेंगे, 75% वर्क को, तो 100% को कितना करेंगे भाई। अगर आप ये 3/4 में अगर इतना टाइम लग रहा है तो पूरे में कितना लगेगा, इसका 4/3 4/3। अब इनको आप इक्वेट किया, इन हाउ मेनी डेज एक्स प्लस टेन मैन फिनिश दी वर्क, तो यहां से आपके एक्स की वैल्यू हो सकता है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में निकली, कोई बात नहीं। अब इसमें जैसे या तो आप यहां से ऑप्शन पुट कर ले, अगर क्वाड्रेटिक से है तो और इसको सेटिस्फाई करवा ले, इससे जो ये इक्वेशन है इसको आप सेटिस्फाई कर ले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, या क्वाड्रेटिक बना ले, आप ऑप्शन से पुट करके अपने आप देख लेना निकल जाएगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक आपकी बन रही है तो उसमें भी वरी करने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका तीन से गुणा, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स और प्लस सेवन एक्स, तो आई थिंक माइनस थ्री एक्स माइनस 70, ये हो गया आपका 4 से, तो आपकी वैल्यू आ गई 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 4x² माइनस 12x माइनस 200। अब ये 3x² यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो एक्स स्क्वायर बची 6x है, जब यहाँ इस तरफ आएंगे तो ये भी 6x हो जाएंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, आई थिंक यही बनी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 280 इज इक्वल टू 0। 280 को क्या बनाओगे आप, 7 × 2 × 2 28 बन गया, 2 × 5 10 और बन गया, 28 × 10 मान लिया मैंने इसको, पहले 28 के कर दिए फिर 10 के कर दिए। अब ऐसी संख्या चाहिए जिनका डिफरेंस 6 हो, तो क्या कर सकता हूं मैं, अगर 5 × 14 और 20 बन गया, 5 × 20 और ये 14, बड़ी संख्या है वो पॉजिटिव आएगी, तो बड़ी आपको चाहिए, तो यहाँ आपकी बड़ी आ गई 20 और छोटी आ गई आपकी 14, तो 14 तो नेगेटिव आपको चाहिए नहीं, x की वैल्यू यहाँ से आपके पास 20 आ गई, x की 20 आ गई, देन हाउ मेनी, x की 20 आते ही आपके पास क्या आ गया, अगर आप यहाँ 20 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 20 में से 2 गए 18, 18 × 20 ये आपका टोटल वर्क आ गया। और देन इन हाउ मेनी डेज x प्लस 10 मैन कैन फिनिश द वर्क, तो टोटल वर्क है और x प्लस 10, तो x प्लस 10 कितना आ गया आपका, 20 था ना, 20 और 30 ये डेढ़, और ये हो गया 12, तो 12 आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ दी जाना चाहिए उस हिसाब से। तो फिर भी 18 कैसे आए आप लोगों का, 4/3 क्यों लिखा, अच्छा दीपक जी 4/3 इसलिए लिखा कि ये जो वर्क है ये 75% उसने दिया है कि x डेज, x प्लस 7 मैन कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन x माइनस 10 डेज, मतलब पूरा काम नहीं कर पा रहे इतने टाइम में, वो इतने टाइम में कर पा रहे हैं इतने मैन डेज जो है वो 75%, तो 75% होता आपका 3/4, तो 3/4 वर्क अगर कोई भी x मैन डेज हो रही है
तो पूरा काम करने के लिए क्या होगा, x इंटू 4/3, तो इसलिए 4/3 यहां कर दिया गया, राइट। आई थिंक आपके समझ में ये आया होगा। हाउ मेनी नहीं सर, मेरा गलत हो गया, हो गया। चलिए, तो ये 12 जिनका भी आंसर आया है उन सभी का सही है, ठीक है ना। तो आप कोई भी अप्रोच रखें, आप कोई भी अप्रोच रखें, लेकिन आपको उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट अटेम्प्ट करके उसको सोल्व कैसे किया जा सकता है ये जरूर आना चाहिए, मतलब इसमें कोई कोताही नहीं अपने लेनी। चलिए, एक इसी का ये इस वेरिएबल बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जितने भी आपको मैंने दिए हैं ये मेंस के क्वेश्चन है सभी, और मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कीजिए, फिर अपने जो करेंगे वो करेंगे आपका अल्टरनेटिव डेज वर्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो करें। अगर ये जैसे 5 क्वेश्चन आप कंफर्टेबली कर पाए तो आप मान के चलिए कि टाइम एंड वर्क में और इनपुट डालने की जरूरत फिर आपको नहीं बची है। सौम्या जी ने सबसे पहले रिप्लाई किया है, लेकिन बाकी के रिप्लाईज कम आ रहे हैं। अंशु सिंह जी ने किया है, शुभम जैन साहब एक बार आए गायब हो गए फिर, और बच्चे भी एकदम से गायब हो गए इस क्वेश्चन। जैन साहब का दो आ रहा है, ओके। अंशु सिंह जी का भी दो आ रहा है, बच्चे सब गायब हो गए, ऐसा क्या अभी इस क्वेश्चन में। चलिए, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए इस क्वेश्चन में। जो डिफरेंस था छोटा सा इसमें, और कुछ नहीं था ऐसा, प्रधान जी ने भी कर लिया। क्या दिया हुआ देखिए, 10 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड 20 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन एक्स माइनस 5 डेज। फिर एक कंपेरिजन और दे दिया, 30 मैन कैन डू द सेम वर्क इन वाई डेज एंड 80 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन वाई माइनस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब मुझे एक चीज बताइए आप, जब ये काम तो वही है, यहाँ 10 वर्क 10 मैन करते हैं एक्स डेज में, यहाँ 30 मैन करते हैं वाई, तो मैं इन दोनों को भी तो कंपेयर कर सकता हूँ, वर्क तो एक ही है। मतलब एक तरह से आपको देखते ही लगेगा कि एक्स और वाई का रेशियो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। भाई 10 मैन
कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स डेज में कर रहे हैं, 10 में, ले 10x मैन डेज टोटल वर्क, और साथ ही वही वर्क के 30 y डेज, y मैन डेज भी है, मैन डेज तो आपकी जो मैन की एफिशिएंसी तो वो कैंसिल आउट होगी, 10 और ये भी आपका कैंसिल आउट होगा, और यहां से निकल गया कि x is equal to 3y, एक आपके पास रिलेशन बन गया, भी आपको x और y पे ही तो फोकस करना है अल्टीमेटली, तो x is equal to 3y ये इनका रिलेशन निकल। अब आप देखिए जो वुमेन वाला मैं और कंपेयर करूं, 20 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन x माइनस 5, 20 इंटू x माइनस 5 वुमेन डेज, और यहां कितना है 80 वुमेन कैन डू y माइनस 5, राइट, कितना वुमेन डेज, वुमेन से वुमेन की एफिशिएंसी कट गई, और ये आपका 20 चौके 80, ये आ गया x माइनस 5 अपॉन y माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4y माइनस 20। अगर मैं x की वैल्यू 3y रख देता हूं तो 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4y माइनस 20, ये 3y आपका कैंसिल आउट हो गया, y बचा सिर्फ, और ये इस तरफ जाके प्लस हुआ तो y की वैल्यू 15 आ गई है आपके पास। जब y की 15 आई तो x की आ गई 45, और दोनों का डिफरेंस कितना आया 30, यही तो आपसे पूछा है डिफरेंस ही दोनों। तो इस क्वेश्चन में बहुत उलझने की नीड नहीं है, थोड़ा सा आप देखिए कि 10 मैन कैन डू, 10 आदमी यहां भी कर रहे हैं, यहां भी आदमी कर रहे हैं, तो मुझे उनकी फिर इफिशियंसी की नीड ही नहीं है, जब मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे x और y का रेशियो मुझे यहां मिल जाएगा, एक रेशियो मुझे मिल जाएगा इन जब वुमेन को करूंगा, क्योंकि इतने मैन डेज इज इक्वल टू इतने मैन डेज वाले जो एक मैन की जो एफिशिएंसी है, तो वो एफिशिएंसी तो दोनों की मैन डेज मेंस की तो पूरों के अपने एक ही पूरे ग्रुप की इक्वल लेते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट होगी या वुमेन कैंसिल आउट होगी, एक्स और वाई के फॉर्म में दो इक्वेशन बन गई, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 60 राहुल जी का आया, लेकिन राहुल जी ने फिर 30 कर लिया, ओके अच्छा किया, हो सकता है पहले इन्होंने उसकी x की वैल्यू भी 16 ही है जोड़ दिया होगा, डिफरेंस की जगह सम कर दिया, कोई बात। चलिए सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, जो भी नए एस्पिरेंट्स इस सीरीज से जुड़ रहे हैं, प्लीज अगर वो इसको आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र के मित्र जो भी फ्रेंड्स हैं उन ग्रुप्स में भी शेयर करें, साथ ही बेल आइकन क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके बाद आपकी इच्छा है आप देखना चाहें देख लें, नहीं देखना चाहें नहीं देख, राइट। अब चलिए एक थोड़ा सा आपने इसका थ्योरी पार्ट करेंगे, अल्टरनेटिव वर्किंग। अल्टरनेटिव वर्किंग क्या होती है, आप प्लीज एक बार ओल्ड मेथड से कैसे होगा, ये तो कॉन्सेप्ट से ही किया मैंने, ओल्ड में तो आप बहुत उलझ जाओगे, उसमें आप मैन को मैन से वुमेन को वुमेन से करोगे तो उसमें तो उलझते ही जाओगे, मैन और वुमेन की इफिशियंसी कहाँ है, फिर आपकी मैन और वुमेन की इफिशियंसी एक्स और वाई की फॉर्म में बनेगी, फिर उनको मैन और वुमेन की इक्वेशन है उनको वापिस आप इक्वेट करोगे एक्स और वाई के लिए, बहुत लंबा हो जाएगा। प्रधान जी कर तो आप सकते हैं उससे भी, लेकिन आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, आप करके देखना घर पे, अभी फोकस करो इसको अल्टरनेटिव वर्किंग। भाई आप इस तरह का क्वेश्चन आए तो वैसा कोई अपने को नहीं जाना है उस तरफ, जब इस तरह का क्वेश्चन आए आपको साफ दिख रहा है कि मेन दो जगह मेन का आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपको मेन की इफिशियंसी की वहां नीड नहीं बचेगी, क्योंकि दोनों साइड की कैंसिल आउट हो रही है, सेम थिंग विद वुमेन, उसमें तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कोई करने लायक नहीं बचेगा। अल्टरनेटिव वर्किंग क्या होती है, जैसे कोई दो एक कोई वर्क है, मान लो ए किसी वर्क को 10 दिन में कर सकता है, ए 10 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को मान लो 15 डेज में कर रहा है, और आपसे पूछ लें कि भी ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे अगर वो अल्टरनेटिव वर्किंग करें, जैसे पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने की, फिर तीसरे दिन ए ने किया, चौथे दिन बी ने किया, और फिर ए ने किया बी ने किया, वो आपको इनमें दिया हुआ होगा कि स्टार्ट विद ए और स्टार्ट विद बी, पहले दिन ए स्टार्ट करेगा
या बी करेगा, लेकिन एक दिन एक ही करेगा उनमें, पहले एक या फिर, या ये भी सीक्वेंस बन सकती है और ये भी सीक्वेंस बन सकती है कि बी ने किया फिर ए ने किया, फिर बी ने किया फिर ए ने किया, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस अल्टरनेटिव वर्किंग डेज के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या है, कोई अलग से डिफरेंस नहीं है। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 में करता है। एलसीएम मेथड से अगर मैं देखूं तो मान लो 30 यूनिट टोटल वर्क हो गया, 30 यूनिट क्या हो गया आपका टोटल वर्क। तो पर डे वर्क ए कर रहा है 3 यूनिट पर डे कर रहा है ए, और बी कर रहा है 2 यूनिट पर डे, राइट। तो अब आप देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि स्टार्ट विद ए, पहला है मेरा स्टार्ट विद ए, अब अगर इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे, देखिए अब इनको आप देखोगे 3 और 2 दोनों की मिलाऊ में ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है दोनों मिलके कितनी होगी, 5 यूनिट, और 5 यूनिट जो टोटल वर्क है उसको बिल्कुल कैंसिल आउट कर रही है, मतलब उसका एक कितने गुणा है एक तरह से, 5 × 5 × 6 टाइम्स है, इसमें कुछ भी आपके बचाने, तो ये 6 गुणा है। तो इसमें आप पहले ए करेगी, स्टार्ट ए करेगा या बी करेगा, स्टार्ट विद ए और स्टार्ट विद बी, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं आएगा जब ये डायरेक्टली पूरा कैंसिल आउट होगा। भाई यहां जैसे आप देखिए दोनों मिलके 5 यूनिट कर रहे हैं, तो अगर मैं ये मानूं कि स्टार्ट विद ए, ए से स्टार्ट होगा, तो ए स्टार्ट होगा तो ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, भाई ए ने कर लिया 3 यूनिट, इसने कर लिया 2 यूनिट, तो 2 दिन में 5 यूनिट हो गए, और ऐसे कितने पेयर बन गए, 6 पेयर बन गए, तो टोटल वर्क कितने दिन में हो गया, 12 दिन में हो गया। और जब बी से आप स्टार्ट करवाओगे तो भी वही आएगा, बी ने 2 यूनिट किया, इसने 3 किया, 5 यूनिट कर दिया, वही 6 पेयर फिर बन गए और 12 दिन आ गए। तो इसमें आपने देखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि स्टार्ट विद ए और स्टार्ट विद बी, अगर आपका उनके जो वन डे इफिशियंसी ए और बी की दोनों की मिलके टोटल वर्क को डायरेक्टली कैंसिल आउट कर रही है, तो भले ही वो ए से शुरू करें या बी से शुरू करें आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो रही है, जैसे मैं एक दूसरा अपने कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूं, जो हो सकता है जो आप लोगों में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये लग रहा हो कि बहुत छोटी चीज है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको ये जरूरत रहती है। तो बस टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे फिर आगे अच्छे क्वेश्चन से। देखिए मान लो ये 10 डेज और जो ये था, अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूं तो बन जाएगा क्या, मतलब 10 की जगह अगर अपने 20 डेज कर ले मान लो, और इसकी जगह कर लें 30, तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो भी 3 और 2 नहीं, 10 और 30 से तो वही चीज बन गई। फिर एक सेकेंड अपने इसको 10 और 12 कर लेते हैं, चलो राइट, मतलब ए इस काम को 10 दिन में कर रहा है और ये 12 दिन में कर रहा है, राइट। अब 10 और 12 तो मैं ले लूं, अगर 60 यूनिट टोटल वर्क ले लिया, 60 टोटल है तो ये करेगा 10 6 यूनिट पर डे और बी करेगा 5 यूनिट पर डे, राइट। अब यहां आप देखोगे 6 और 5 11 11 को अगर 60 से आप कैंसिल आउट करोगे तो पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो आपको एक केस दे दिया पहला कि स्टार्ट दोनों अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं और स्टार्ट विद ए, दूसरा दे दिया आपको स्टार्ट विद बी कि वो स्टार्ट विद पहले बी शुरू वाले दिन बी कर रहा है, तो स्टार्ट विद ए। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं 60 को उनके पर डे वर्क से डिवाइड किया मैंने 60 × 11, तो पूरा कितना चला गया 5 × 11 = 55, तो ए बी ऐसे जो पेयर हैं वो मेरे 5 तो बन गए, 1 2 3 यू करके 5 बन गए, मतलब 10 दिन तो यहां से निकल के आ गए। अब बैलेंस वर्क कितना बचा, 11 × 55 यूनिट काम हो चुका, 5 यूनिट बचा, 5 बचा, तो जैसे ही ये 5 पेयर कंप्लीट होंगे तो कौन आएगा पहले, ए आएगा, क्योंकि ए से स्टार्ट है तो ए आएगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा उसको बैलेंस के लिए, 5/6 दिन। और आपका टोटल वर्क यहां कितने दिन में काम खत्म हो गया, 10 सही 5/6।
राइट भाई, 10 दिन तो पूरे लग गए, और जो 11वां दिन लगा जब ये अल्टरनेट करेंगे तो 6 5 11 समझो पिचपन, तो 5 2 10 10 2 लग गए, और 11वें दिन 6 5 यूनिट बचा, और ये एक दिन में 6 यूनिट करता है तो 5/6 देव में काम हो। लेकिन अगर आप 20 से स्टार्ट करेंगे तो यहां तक तो वही हुआ 5 यूनिट, तो ये हो गया आपका 55 यूनिट, तो 10 दिन में हो गया, लेकिन फिर बचा 5 यूनिट, और काम कौन करेगा उस दिन, बी करेगा, तो बी को पूरा दिन लग जाएगा, तो यहां ये आ जाएगा 11। तो यहां ये डिफरेंस क्रिएट होगा, इसको 10 से 5/6 लगे और इसको लगे 11 दिन। जब वो डायरेक्टली पूरा कैंसिल आउट होगा तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, भले बी शुरू करे या ए शुरू करे, तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको फटाफट कीजिए। चलिए रिप्लाईज आगे क्या दिया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ए 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अगर आप टोटल वर्क अगर लेंगे 60 यूनिट तो क्या आ गया, ए कर रहा है 3 यूनिट पर डे और बी कर रहा है 2 यूनिट पर डे, ये करेगा 2 यूनिट पर डे, राइट। अब उन्होंने कहा कि वो अल्टरनेटिव करते हैं, तो यहां आपने देखा 3 और 2 5 5 12 12 पेयर बने आपके, तो 12 बने तो ब्ले बी स्टार्ट करे ए स्टार्ट करे, कोई आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, सीधा आप 24 को टिक कर रहे हैं। कैसे देखिए, स्टार्ट किया उसने बी ने, तो बी ए इस तरीके से चलता रहा, बी ने कितना काम किया, बी ने किया 2 यूनिट, इसने किया 3, तो एक पेयर ने 5 किया, मतलब 2 दिन में 5 यूनिट काम हुआ, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 60/5 12 पेयर बनेंगे, तो ऐसे अगर 12 पेयर बनेंगे तो दिन कितने हो गए, 12 × 2 = 24, तो ये स्टार्ट विद बी दिया, अगर ये ए भी देते तो भी इसमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सैलन जी, मेंस की क्लास तो आपके क्वांट की 9:15 PM पर रेगुलर चल रही है, आज 84th या 83rd सेशन होगा उसका, ये तो पिछले 2.5 महीने से एसबीआई क्लर्क मेंस एंड आरबीआई स्टैंड मेन को टारगेट करके रेगुलर चल रही है, आई थिंक किसी भी दिन नहीं ऐसा था कि जिस दिन क्लास नहीं हुई। अंशु सिंह जी, अल्टरनेटिव डे पे जब भी क्वेश्चन आए हैं बहुत आसान आते हैं, आसान होते हैं बिल्कुल, बट एक्चुअली आसान ही है सब कुछ, जरूरत क्या है कि जिस भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए वो टाइप आपकी की भी होनी चाहिए, नई टाइप में हेजिटेशन है एग्जाम में, नई टाइप नहीं दिखनी चाहिए, फिर कुछ भी नहीं है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन बनाए हैं और दोनों को रिप्लाई करो चौधरी जी, आप दोनों की, चौधरी जी प्रणीत जी दोनों क्वेश्चंस की रिप्लाई करो, जैन साहब ने दोनों की है, आप भी सभी, अच्छा चलिए ठीक है कर दिया आपने, क्या दिया देखिए इसको, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कैन डू द सेम वर्क, बी कर रहा है 20 दिन में,
इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क और उसके आगे दे दिया। तो इसको अगर मैं 20 यूनिट टोटल वर्क मान लू तो ये दो यूनिट कर रहा है और ये कर रहा है एक। आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ दे वर्क अल्टरनेटली स्टार्ट विद बी बी ए बी ए इस तरीके से उन्होंने, तो टोटल वर्क है 20, ये इनकी एक जो यूनिट है मतलब दो दिन का जो इनका ग्रुप है वो कितना काम कर रहा है 3, तो ऐसे ग्रुप तो बन गए 6, तो 6 का मतलब 12 दिन, 6 इंटू 2 12 दिन तो लग गए 18 यूनिट में, 6 दुआ 12 दिन 18। तो इनमें तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले बी आया या पहले ए आया, तो 12 दिन तो आपके लग गए और काम कितना हो गया 6 यूनिट, कितना काम कर देंगे 6 यूनिट कर देंगे, 6 3 18 18 यूनिट काम बच गया, तो बैलेंस वर्क आपका बचा, बैलेंस बचा आपका 20 माइनस 18 2 यूनिट। और अब 6 जैसे ही कंप्लीट होंगी सातवें जो आएगा मतलब 13वां दिन जो आएगा तो बी आएगा पहले, तो बी आएगा तो बी कितना कर रहा है 1 यूनिट काम कर रहा है, तो उसने एक दिन में जो 12 दिन तो आपका हो चुका था एक दिन में एक यूनिट और कर दी, यूनिट आधे एक यूनिट कर दी तो एक यूनिट और बच गई, तो उसको ए आया उसके बाद और उसको कितना टाइम लगा आधा दिन उसमें लग गया, तो ये क्या आ गया 13.5 दिन 13.5। दूसरा क्वेश्चन ये पहला हुआ, दूसरा दिया है कि इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट। अल्टरनेटिवली तो वो कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट ए करेगा या बी करेगा ये आपको नहीं बताया गया, तो लिस्ट कब लगेगा, तो इसका एक स्टैंडर्ड है बिल्कुल कि जो ज्यादा काम कर रहा है जो मोर इफिशियंट है यहां जैसे ए मोर इफिशियंट है देन बी डबल, तो आप ए से स्टार्ट करवाइए वही लिस्ट टाइम लेगा। तो ए से अगर यहां स्टार्ट करते आप पे जैसे ए बी ये बनाते तो आपको पता है कि 6 ग्रुप तो बन जाते, 6 में तो कोई फर्क नहीं पड़ना था 18 यूनिट काम होगा, तो ये तो लग गए अपने 12 दिन। अब यूनिट बचा 6 यूनिट का मतलब 18 यूनिट काम हो गया, 2 यूनिट बैलेंस बचा, तो जैसे ही अगले दिन फिर कौन आ गया स्टार्ट विद ए है तो ए आएगा और ए एक दिन में 2 यूनिट कर देगा तो वो 13 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए कि लिस्ट, तो लिस्ट में आपको स्टार्ट किससे करना है जो मोर इफिशियंट है, मोर इफिशियंट से आप स्टार्ट करवा दीजिए वही लिस्ट आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है ये कीजिए, बस देखिए सब छोड़ के भाग गए क्योंकि आसान सेशन लगता है सबको ये। ओके कोई बात नहीं सब भाग गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। और चौधरी जी इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है एक, लेकिन मैं तो कम प्रिफर करता हूँ शॉर्ट ट्रिक को, भाई उसमें जैसे इवन नंबर्स हैं ओड नंबर्स हैं उनका गैप 2 है और फिर, लेकिन वो सब चीजें एग्जाम में याद रखना बड़ा टफ है, मुझे नहीं लगता कि याद रहती है और वहां उल्टा सिली मिस्टेक्स हो जाए, और फिर कोई जरूरी तो नहीं है कि 2 के गैप से ही आपको वो दे, फिर आप पहले तो वो गैप ढूंढते फिरोगे 10 सेकंड तो उस गैप में लगा दोगे कि संख्याएं ओड हैं इवन हैं गैप 2 का है नहीं है, स्टार्ट कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, इतने में तो क्वेश्चन ही छोड़ हो जाता। तो वो तो जस्ट आप लोगों को क्या कि वो सेशन में अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं कुछ, ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक कुछ अच्छी है नो डाउट। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए कोई नहीं कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए चौधरी जी क्या हालत हुई है सेशन की है, सब बच्चे भाग गए आसान क्वेश्चंस नहीं करना चाहते, लेकिन ये भी एक टाइप है अपना जो इसका मेन मोटिव जो है बेसिक टू एडवांस उसका यही है कि हर चीज कवर हो।
अच्छा संडे तो है भी, संडे को कुछ चिल करते होंगे। ओके ओके ओके, सोम्या जी कह रहे हैं नन है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज, ए 33 डेज में कर रहा है और बी कैन डू द सेम इन 35 डेज। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या हुआ, कुछ भी ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना, दोनों का मल्टीपल कर दो वो तो टोटल वर्क आ गए, क्योंकि एलसीएम निकालना और वो बहुत टफ हो गया। इसको 33 से डिवाइड करोगे तो ये 35 यूनिट करेगा और ये करेगा 33 यूनिट। इसमें भी टाइम नहीं खराब करना। अब क्या दिया है, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर इफ द वर्क अल्टरनेटिव डेज एंड वर्क इज स्टार्टेड विद ए। ए स्टार्ट कर रहा है, कौन सा कर रहा है, जो ज्यादा वाला। तो ए बी ये आपका स्टार्ट है। तो ए और बी दोनों मिलके 35 और 33, 68 यूनिट ये दो दिन में कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले जो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है भाई, ये कैंसिल आउट तो इससे भी नहीं होगा, तो ये गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा। 35 105, 1050 और 105, तो आई थिंक 1155 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को अगर मैं, ये टोटल वर्क है, इसको मैं डिवाइड करूं किससे, 68 से, तो मुझे पता चले पेयर कितने बनेंगे, राइट। तो 68 से आप करोगे तो एक बार भाग चला गया, 32 और 5 37 10 47 475 बचे। तो ये आई थिंक 7 बार तो नहीं जा पाएगा, 7 6 42 और 56 76 हो गया, मतलब 7 जस्ट क्रॉस कर रहा है, ये 75 है वो 76 है, तो ऑब्वियसली 16 बार चला गया। तो 16 बार जब इससे मैं भाग चला गया तो 16 × 2 32 दिन तो ये हो गया 32 दिन। अब 16 में ये वर्क कितना हो गया, 16 6 96 960 और 16 8 आई थिंक 128 होता है, 16 8 128 ही होता है, 80 और 48 128 ही होता है। तो ये आपका आ गया 1088 टोटल था आपका 1155। तो आपका वर्क कितना बच गया, 67 यूनिट और बच गया। अब आपको 32 दिन के बाद में पहले करेगा ए, तो ए ने 35 कर लिया, एक दिन और लग गया, बच गया 32 यूनिट। तो 32 को कितने टाइम में करेगा, 32/33 दिन उसको लग गया, राइट। तो ये 32 और एक 33, 33 सही, 32/33 दिन ये सही हो जाएगा। तो 33 सही, 32/33, तो ऑप्शन बी इज द राइट, नन नहीं है। नहीं चौधरी जी आपका गलत फिर हो गया है, ये नहीं होगा, बी होगा, कैलकुलेटिव है बाकी। तो इसमें क्या था मुझे बताइए, कैलकुलेटिव है बाकी कुछ नहीं है बाकी। जो शॉर्ट ट्रिक थी इसमें भाई, इसमें क्या है, जैसे 33 और 35 ओड नंबर है दोनों ही, और दोनों का गैप 2 का है, राइट। तो अगर स्टार्ट विद ए है, स्टार्ट विद जो जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी है, स्टार्ट 33 वाले से है और 33 और 35 है, गैप 2 का है, तो इसका जो दिया है, जो इसका क्या कहें, इसका जो शॉर्ट है वो यही है कि जो इसके दिन है 33 दिन, 33 आ गए और 33 के बाद इससे एक कम 32 और फिर उससे एक ज्यादा 33, मतलब उस शॉर्ट ट्रिक से ये 10 सेकंड में हो जाता है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक उस वक्त याद रहे नहीं रहे, ये गैप अगर 2 से ज्यादा हुआ तो वो शॉर्ट ट्रिक लागू नहीं होगी। अगर ये 33 के बजाय 34 और 36 हुआ तो वो ट्रिक दूसरी होगी, मतलब अगर ये ओड है तो दूसरी ट्रिक है, इवन है तो दूसरी ट्रिक है, और 2 का गैप नहीं है तो ट्रिक खत्म होगी। इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करता, बाकी ये हो तो उससे 5 सेकंड में जाएगा, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर लिया करें, कोई ऐसा मुश्किल इसमें नहीं। चलिए सेशन के एंड में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बिगनिंग में काफी लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कुछ, तो अगर किसी के मन में कोई क्वारी है तो प्लीज अब इंटरेक्ट करें मुझे, किसी के मन में भी कोई भी क्वारी हो, जो नए एस्पिरेंट्स आज को जुड़े हैं, अगर उनके मन में कुछ दुविधा है, कुछ वो पूछना चाहते हैं, तो प्लीज अब वो पूछ सकते हैं। और जाते जाते सेशन को लाइक कर जाना और अपने मित्र जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर भी करना। चलिए कोई क्वारी नहीं है, समझ गया सर। ओके ओके, कोई भी क्वारी नहीं है, किसी के मन में क्वारी नहीं, चलिए देन जो भी आपने इस सेशन को
लास्ट तक जिन्होंने भी ज्वाइन किया उन सभी का धन्यवाद। अच्छा बड़े चौधरी सर, और यार भूल गए चौधरी जी, मैं सर्च करूंगा। ओके 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 चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।